इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप अगर वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई के साथ ये हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो इसका हमें वाईफाई पासवर्ड मालूम करना है, ताकि हम इसका पासवर्ड का यूज दूसरे लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल में हम कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक तो डायरेक्ट मालूम करेंगे पासवर्ड, और दूसरा उसका सीएमडी कमांड के थ्रू हम पासवर्ड मालूम करेंगे। तो इसमें आपको सबसे बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका लैपटॉप डेस्कटॉप हो वाईफाई के साथ आपका कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप उसका वाईफाई पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाने के बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आप दिखेगा ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है वाईफाई में। जैसे ही वाईफाई में जाएंगे तो उसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर दिखेगा, शेयरिंग सेंटर दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन दिखेगा। कनेक्शन मतलब जो वाईफाई के साथ आपका कनेक्टेड है उसका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे नाम आएगा आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा एक डिटेल और एक वायरलेस प्रॉपर्टीज। वायरलेस प्रॉपर्टी में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन और सिक्योरिटी दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं नाम हमारा जो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है उसका नाम आ रहा है, और उसके बाद हम देखने आ जाएंगे वहाँ पे आपको सिक्योरिटी में। जैसे ही हम सिक्योरिटी में जाएं उसके बाद आपको यहाँ पे देखेगा नेटवर्क सिक्योरिटी की, ये यही वाला आपका पासवर्ड होगा। अब हम क्या करते हैं इसका सो कैरेक्टर करेंगे। जैसे ही हम इसको सो कैरेक्टर करेंगे तो हमारा ये वाईफाई पासवर्ड इसका मालूम चल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाईफाई कनेक्टेड है उसका वाईफाई पासवर्ड मालूम चल गया। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड में जो कमांड के थ्रू है। तो सबसे पहले आपको ये विंडो 10 है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी। जैसे ही आप सीएमडी टाइप करेगा तो एक विंडो खुलेगा, विंडो के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस टाइप करना है। मैं बताता हूँ, एनईटी नेट, उसके बाद एसएच है, उसके बाद WLAN करना है। WLAN करने के बाद आपको शो करना है SHO शो, SHO डब्ल्यू शो प्रोफाइल, PROFILE प्रोफाइल, उसके बाद आपको देना है नेम। नेम देने के बाद आपको वो नेम देना है जो आपका वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। वहां पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई के साथ हमारा कौन सा कनेक्टेड है, ये देखिए कैपिटल में यहाँ पे कनेक्टेड, तो BSNL, उसके बाद BS16, ये वाला हमारा कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने के बाद हमें स्पेस देना है, उसके बाद हमें की देना है, की देने के बाद हमें इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे क्लियर कर देना है। जैसे ही हमने ये पूरा सेंटेंस राइट किया उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटर करना है। इंटर जैसे ही करिएगा तो उसके बाद सबसे पहले आप देख लीजिए SSID नेम क्या है जो हमारा अभी कनेक्टेड है, ये देखिए अभी हमारा कनेक्टेड है। उसके साथ आपको देना है सिक्योरिटी सेटिंग में आपको ऑप्शन एक दिखेगा की कंटेंट। की कंटेंट में हमारा जो वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है वही हमारा वाईफाई का पासवर्ड रहेगा। ओके, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आस्क, अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा।